दीपिका के हस्बैंड रणवीर सिंह ने दी अर्जी, कहा दीपिका को घबराहट होती है, पूछताछ के दौरान साथ रहने को मिले मंजूरी। सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के बड़े नाम आ चुके हैं। सारा अली खान, रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए समन भी भेजा जा चुका है। इन सभी से 25 और 26 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। एनसीबी सोर्सेज की माने तो ड्रग्स पेडलर करमजीत ने दावा किया कि उन्होंने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के नाम पर 4 बार अलग अलग जगहों पर ड्रग्स की सप्लाई की। 4 बार कार में ड्रग्स का पैकेट पहुंचाया गया, लेकिन ये बात साफ नहीं हो पाई कि पैकेट श्रद्धा ने ही लिया या किसी और ने। उधर बात करें दीपिका पादुकोण की, तो गुरुवार की रात को वो गोवा से मुंबई पहुंची। उनके साथ उनके हस्बैंड रणवीर सिंह थे। दीपिका पादुकोण के हस्बैंड रणवीर सिंह ने एनसीबी को अर्जी लगाई है कि वो पूछताछ के दौरान दीपिका के साथ रहना चाहते हैं। इस अर्जी के मुताबिक दीपिका को कभी कभी घबराहट होती है, इसीलिए उन्हें उनके साथ रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। रणवीर ने कहा कि वो कानूनी नियमों को जानते हैं कि जांच के समय मौजूद नहीं रह सकते, फिर भी एनसीबी कार्यालय के अंदर तक की अनुमति दी जानी चाहिए। अब रणवीर की अर्जी कबूल होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इससे पहले देर शाम सारा अली खान भी गोवा से अपनी मॉम अमृता सिंह के साथ मुंबई पहुंची। एक्ट्रेस रकुल प्रीत और दीपिका के मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी शुक्रवार को पूछताछ करेगी। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के बहुत बड़े नाम आ चुके हैं। इसके अलावा अभी देखना दिलचस्प होगा कि अभी कितने लोगों के नाम और आने बाकी हैं।